बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाकियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा गहरे यार गार हज़रत अबू बकर हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, कैसी मोहब्बत! हिजरत की रात में पहाड़ पर चढ़ना है, गार सौर में जाता है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हालांकि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल छोटे, बास रिवायात में आता है कि 17 साल छोटे, काबिले नहुर हैं कि अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़्यादा बूढ़े हैं। लेकिन हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चढ़ेंगे तो पाँव मुबारक सुन हो जाएंगे, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएँ। आप सोचें ऐसी चढ़ाई पर कि ख़तरनाक रास्ता है। अबू बकर या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठाकर ऊपर चढ़े। कैसी कुर्बानी, कैसा सब्र, और इस मुसीबत को नेमत महसूस कर रहे हैं। वतन छूट रहा है, घर वाले छूट रहे हैं, कारोबार छूट रहा है, इज्जत हाथ से जा रही है, लोग जान के दुश्मन हैं, फिर भी हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप मेरे कंधों पर बैठे, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। आज अगर कोई मुसीबत आ जाए, अगर किसी इमाम साहिब की तरफ से कोई तकलीफ पहुंच जाए, कोई बुजुर्ग है अगर उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे, तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले। आपको गारे सौर में साफ करने के बाद लिटाते हैं, और कैसे लिटाते हैं, फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सो जाएं, आप थके हुए हैं। हालांकि थके हुए तो अबू बकर भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक है। सारे सुराख बंद कर दिए, कपड़े फाड़ फाड़ कर कहीं से कोई मौसी जानवर ना आ जाए। रिवायत में आता है कि एक सुराख रह गया, जिस पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना पाँव मुबारक रख दिया। उधर सांप हर रोज़ आता और देखता कि सरवर कायनात तशरीफ लाए या नहीं, मगर आकर वापस चला जाता। इत्तफाक से एक दिन आया तो देखा कि सारे सुराख बंद हैं। उसको गुस्सा आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पाँव को डंस लिया। सांप का काटना कोई मामूली नहीं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ हुई, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आपकी आंखों से आंसू के चंद कतरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिर पड़े, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। दरियाफ्त किया, क्या हुआ? फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी चीज़ ने काट लिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया अच्छे होकर। आज जिसको मुसीबत समझते हैं, उसको वो नेमत समझ रहे थे। मुसलमान का हर काम अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।